वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल लाइफ ऑफ अनु। अभी सुबह के बज चुके हैं 9:30 और अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। आज साबूदाना का खिचड़ी बना रहा है तो अभी चलते हैं। छुट्टी का टाइम है तो सब लोग लेट से उठते हैं, तो सोचे लेट से ही ब्रेकफास्ट बनता है, तो आज अपने हाथ का साबूदाना का खिचड़ी सबको खिलाते हैं और चलते हैं। उसके लिए इंग्रेडिएंट सारा तैयार कर लिए हैं, अभी चलते हैं। और आज का ब्लॉग लेट से स्टार्ट कर रहे हैं, दो दिन से मन भी नहीं हो रहा था, तबीयत में भी जो कभी ठीक कभी ख़राब रहता था, और मेरा तबीयत ठीक होने के बाद बेबी बीमार पड़ गया, इसकी वजह से मेरा मन भी नहीं हो रहा था। और जब चेंज होता है जगह तब थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगता है, तो मेरे लिए अभी वही चल रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। उसके बाद फिर रेगुलर ब्लॉग कोशिश करेंगे, तो वो भी चलते हैं किचन में और आपके साथ शेयर करते हैं कि क्या है आज लंच। तो यहाँ पे ले लिए हैं, ये है भिगोया हुआ साबूदाना, और यहाँ पे ये सारा इंग्रेडिएंट है, और ये है उबला हुआ आलू, और ये है लंच का तैयारी, ये सब्जी है। तो ये हम नहीं बनाने वाले हैं, सब्जी कोई और बनाएगा, और अभी बस हम साबूदाना का खिचड़ी बनाएंगे। इसके लिए ये आलू है, और यहाँ पे ताज़ा ताज़ा कड़ी पत्ता पेड़ में है, तो चलते हैं पहले कड़ी पत्ता तोड़ के लाते हैं। नानी नाती का चल रहा है कारोबार, आवाज आ रहा था, दीदी का आवाज़ सुनता है, दीदी कहाँ बोल रही है, सामने सुबह सुबह काम चल रहा है इसका, झाड़ू पोछा सब यही करेगा। तो चलते हैं कड़ी पत्ता लेके आएंगे। Thank you.
एवरीवन वेलकम बैक। बहुत ज़ोर से बोलती हैं, अभी रात हो गया। तो अभी दिखाने जा रहे हैं कि मम्मी और दीदी सब लोग गए थे द्वारिका, तो मेरे लिए क्या क्या लेके आए हैं वो आपके साथ अभी शेयर करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो अभी दिखाने जा रहे हैं आपको क्या क्या मेरे लिए आया था, और इन लोगों को पता नहीं था कि इतनी जल्दी हम आ जाएंगे यहाँ पे, इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ रखे नहीं मेरे लिए। तो जो चीज़ लंबा टाइम तक रह सकता है बस वही है, तो देखते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ लाए भी नहीं है क्योंकि हेवी भी हो जाता है सामान भी, और सब लोग साथ में गए थे तो ज़्यादा ही इन लोग के पास सामान हो गया था। तो वीडियो में बने रहिए और साथ शेयर करते हैं। ये पुराना टाइम पर अलमीरा है, बहुत तेज़ आवाज़ करता है, दिखा रहे हैं। ये है पोटली, इसी में है क्या क्या है वो अभी आपके साथ करते हैं शेयर। तो ये हम यहाँ पे द्वारिकाधीश जी का ये है वस्त्र। तो ये रखी है मम्मी मेरे लिए, जो लोग तुलादान करते हैं उनको ये दिया जाता है, तो इनके मम्मी के पास था ये। और ये एक द्वारिकाधीश जी का फोटो, और ये बेबी के हाथ में बांधने के लिए लेके आई थी मम्मी, ये है ऊन का बना हुआ, तो बहुत अच्छा है। क्या है, वाह बहुत सुंदर है ये मम्मी मेरे लिए खरीदी है, देख सकते हैं किताब। ये फोकस नहीं कर पा रहा है पता नहीं क्यों। बहुत सुंदर है, इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अलग टाइप का रेड है। तो ये है और क्या है, ये प्रसाद है, सिंदूर है ये, और ये दीदी खरीदी है मेरे लिए प्यारा सा छोटू सा, ये सिंदूर रख सकते हैं वो है, तो खोल के देखते हैं कैसा है। बहुत सुंदर लग रहा है हमको, और इस टाइप का चीज़ हमको बहुत शादी के पहले बहुत ज़्यादा पसंद आता था, दीदी को पता है इसलिए शायद मेरे लिए ये खरीदी है। वाह प्यारा है ये, सिंदूर रखने के लिए है या रिंग रखने के लिए पता नहीं, लेकिन बहुत सुंदर बॉक्स है, इसको हमेशा हम रखेंगे अपने पास, रिंग रखेंगे हम। ये सिंदूर रखने के लिए हो सकता है शायद, बट मेरे रिंग रखने के काम आएगा, या मेरे गोल्ड ईयर रिंग सब कुछ इसमें डाल के रखेंगे एक साथ। ये क्यूट सा है, छोटू सा है, ये हो गया। और इसमें एक और सिंदूर ही है, और इस पर गुजराती में लिखा हुआ है देख सकते हैं, ये कुमकुम लिखा हुआ है ये समझ में आ रहा है। और मम्मी दो जगह गई थी इसलिए दो सिंदूर है, एक सोमनाथ और एक द्वारिका, तो दो है। तो बस यही था, और इसमें ये प्रसाद है देख सकते हैं। तो ये हो चुका है खाली, इसको सब सामान को रखते हैं वापस, इससे पहले आपको दिखा दें क्या क्या, बस थोड़ा सा ही सामान है, बहुत ज़्यादा कुछ। तो ये सारा कुछ इसमें से निकला है, हमको तो ये दो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आया, एक ये चूड़ी और एक ये सिंदूर रखने के लिए या फिर रिंग रखने के लिए, जो भी है वो बहुत प्यारा लगा ये दोनों चीज़। तो बस इतना ही मेरा सामान था, तो यही सामान था, ज़्यादा कुछ है नहीं, ये सभी तो यही था, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बट प्रसाद है और जो भी सामान है अच्छा लगा। और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद।
हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यहाँ है मेरा गुटलू और यहाँ है हम। गुटलू का हो रहा है टाइम पास, ढेर सारा खिलाना, सब कुछ बिखरा पड़ा है और ब्लॉग ज़्यादा बनाने का मन नहीं होता, इसलिए थोड़ा सा ब्लॉग बनाया है सुबह में और अभी ब्लॉग का एंड करेंगे। बहुत ज़्यादा कुछ कंटेंट नहीं है आजकल मेरे ब्लॉग में, फिर से कल नया शुरुआत करेंगे ब्लॉग का, कुछ इंटरेस्टिंग सोचेंगे। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और आज साबूदाना में खिचड़ी शेयर किया, कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपी भी हो सके तो शेयर करेंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं पेंट करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग।